ध्यान से समझिए, बाइबल में तीन चीजों के लिए ना कहा गया है। तुम जब प्रार्थना करो तो ढिंढोरा मत पीटना। प्रार्थना आप करते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। उपवास आप करते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्या आप दशांश देते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तीन चीजों के लिए बाइबल में मना किया है कि ना प्रार्थना के बारे में बताएं, ना उपवास के बारे में बताएं, ना आप दान दशांश के बारे में बताएं। और हम इन चीजों के बारे में बताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सात का एक, मती सात का एक बहुत बड़ी आज्ञा है कि हम दोष ना लगाएं, और हम दोष लगाते हैं। हम जांचते हैं किसी को, हम अपने अगुओं को जांचते हैं, कांग्रीगेशंस को जांचते हैं, अपने पासवान को जांचते हैं। नहीं, हमें किसी को जांचने का हक नहीं दिया गया है। पहला क्रंथिन 11 का 31 क्या लिखा हुआ है? खुद को जांचना है रोज। हमको दूसरों को नहीं जांचना है, खुद को। अगर हम खुद को जांचेंगे तो दंड नहीं पाएंगे। याद रखिए, हमें खुद को जांचना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज फादर्स डे है, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आज फादर्स डे है, तो फादर्स डे पर आज मेरा का आज वचन है, प्रेज द लॉर्ड। पिता का प्यार, पिता है क्या हमारे लिए? पिता हमसे कैसे प्यार करता है? बाइबल हमें क्या बताती है उस पिता के बारे में, उस प्रेम के बारे में? पुराने व्यवस्था में, पुराने वचन में हम देखते हैं कि हम पिता का क्रोध देखते हैं कि पिता ये किसी को क्षमा नहीं कर रहा, किसी को मार रहा है, किसी को उसने बोल दिया, नबियों को। हालेलुया, लोग डरते थे उस सिने जंगल में, उस पर्वत पे जाने से पहले डरते थे लोग, उसका क्रोध से डरते थे। लेकिन आपने परमेश्वर के प्रेम को नहीं देखा। नए नियम में यीशु के द्वारा हम उस प्रेम को जानते हैं कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। हालेलुया, उस प्रेम में बहुत 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 शक्ति है। हालेलुया, उसका प्रेम हमें अपना बनाने के लिए है। जिस तरीके से लिखा हुआ है इब्रानियों 12 का 5 और 6 कि जो पिता है वो अपने बच्चों को ताड़ना भी देता है, वो मारता भी है, और जो बच्चा मार नहीं खाता है इसका मतलब वो व्यभिचार की संतान है। यहां तक लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर आपका पिता आपको डांट रहा है तो धन्यवाद दीजिए कि वो आपका पिता है, असली में आपका पिता है, इसलिए वो डांट रहा है आपको, उसको आपकी परवाह। अगर वो आपको नहीं डांट रहा है, अवॉइड कर रहा है, तो ध्यान दीजिए कहीं आपका पिता है कि नहीं है वो। हाँ, कभी कभी आप परेशान होते हैं कि आपका पिता डांट रहा है। अरे वाकई में आपका पिता इसलिए डांट रहा है वो? अगर आपका पिता नहीं डांट रहा है तो जांचिए कि वाकई में मेरा पिता ही है ना, मम्मी है, पापा ही है ना, क्योंकि मुझे डांटते ही नहीं है। पिता जब डांटता है इसलिए डांटता है ताकि आप सुख पाएं, आशीष पाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, आज बहुत उदाहरण देने वाला हूं, लेकिन यहां पर आदम के लिए देखिए। आदम और हव्वा ने पाप किया। देखिए परमेश्वर का प्रेम क्या है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रचा, उससे पहले अदन की वाटिका बनाई, फल फूल बनाए, जानवर बनाए, सब कुछ बनाया, चांद सितारे बनाए, और उसके बाद उसने आदम की रचना की। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम को बनाया कि मेरे बच्चे के लिए सब कुछ, ये भी चाहिए मेरे बच्चे को, ये भी चाहिए। हालेलुया, सब कुछ चाहिए। इतना प्यार किया, सब कुछ उसके अंडर कर दिया, जो कुछ बनाया सब कुछ आदम के अंडर कर दिया। लेकिन आदम ने जैसे पाप किया, उसने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया।
क्योंकि पिता के लिए पाप भयंकर चीज है। परमेश्वर आपका पिता है, वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो यीशु को चाहता था, लेकिन जब क्रूस पर यीशु के ऊपर संसार का पाप आया, उस पर परमेश्वर ने छोड़ दिया उसको। और यीशु ने कहा कि पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? हालेलुया। क्योंकि वो पाप को बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन फिर भी वो पिता है। हेलो, उत्पत्ति 3:21, उसने आदम की वाटिका बनाई, सब कुछ बनाया, लेकिन आदम ने पाप किया, हव्वा ने पाप किया, और उसको उसने वहां से निकाल दिया कि नहीं, अब ये आदम की वाटिका में नहीं रह सकता। प्रेज द लॉर्ड, अब ये जीवन के वृक्ष के आसपास भी नहीं रह सकता। इसलिए उसने कुरूबों की सेना वहां पर आग लगा दी, हालेलुया, कुरूबों के उन पेड़ों के आसपास, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ताकि वो उसको नहीं छू सके। लेकिन फिर भी वो पिता है। उसने क्या किया? 3:21 में पढ़िए बेटा, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। आमेन, हालेलुया, आमेन। वो नंगे थे। देखिए, एक तरफ पिता उनको बर्दाश्त नहीं कर रहा है, उसने पाप किया तो उन्हें निकाल रहा है, निकलो, कुरूप बिठा दिए उस जीवन के वृक्ष के आसपास, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद क्या किया? वो था अपने पिता का फर्ज निभाया। क्या किया? सबसे पहला बलिदान, एक मेमने का बलिदान, कब हुआ? जब उसने आदम को कपड़े पहनाए, प्रेज द लॉर्ड। आदम को कपड़े फैलाने के लिए, उसका नंगापन दूर करने के लिए, उसे संसार में भेजने के लिए उसने एक मेमने का बलिदान किया, और वो जो मेमने का बलिदान किया उससे उसको ढका, उससे आदम और हव्वा को ढका। ये है पिता, ये है पिता, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कभी मत सोचिए, अगर आपसे कोई गलती होती है, आपसे कोई गलती होती है, आप परीक्षा में होते हैं, कभी मत सोचिए कि प्रभु ने आपको छोड़ दिया है। वो आपको कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता, नेवर नेवर। एक एक वचन सत्य है। आपको जन्म देने वाली मां आपको भूल सकती है, लेकिन मेरा यीशु नहीं भूल सकता। मैं सच कह रहा हूं, नहीं भूल सकता है आपका पिता आपको। आपकी मां भूल जाएगी, आपका पिता भूल जाएगा, लेकिन वो परमेश्वर जिसने आपको जन्म दिया, इसीलिए तो उसने आपको अपने आपकी मां के कोख में जाने से पहले आप पर चित्त लगाया, आप पर मन लगाया। कब? आपकी पत्नी आप पर मन कब लगाती है? जब आपकी खूबसूरती को देखती है, आहा, मेरा नौरा कितना अच्छा है ना, आहा, कितना अच्छा लग रहा है, पैसे वाला है, नौकरी भी करता है, अच्छा दिखता भी है, क्या है? नौरा, नौरा है, आमेन, दिखता है। इसका नाम क्या है? आहा, इसकी पोस्ट क्या है? जो दिखता है, हालेलुया। लेकिन जो आपका पिता है ना, स्वर्गीय पिता, उसने आप पर मन तब लगाया जब आपका स्वरूप भी नहीं था। जब आप क्या थे, आपका अस्तित्व भी नहीं था, आपका नाम भी नहीं था, कुछ भी नहीं थे आप, तब उसने आप पर अपना मन लगाया। कितना प्यार करता है परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। ये है पिता, कि आदम को हटा दिया कि नहीं, तूने पाप किया है, आदम की वाटिका में नहीं रह सकते, जीवन के वृक्ष के पास नहीं रह सकते, जाओ। कि पापा मैं नंगा हूं, उसने बलिदान किया, एक मेमने का बलिदान किया। यीशु ने पहला बलिदान किया। पहला बलिदान कब हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। मेरी बहन, पूरी बाइबल परमेश्वर के प्रेम से भरी हुई है, पिता के प्रेम से भरी हुई है।
इस जैसा पिता कोई नहीं हो सकता है। आप उसको भूल सकते हैं याद करना, लेकिन वो आपको याद करना कभी नहीं भूलता है। प्रेज द लॉर्ड, वो पिता है, कभी मत भूलिए। विश्वास करिए, आप भूल जाएंगे प्रार्थना करना, कोई बात नहीं। आप बाइबल पढ़ना भूल जाएंगे, कोई बात नहीं। आप गड्ढे में गिरेंगे, वो वही होगा पहले उठाने वाला। सबसे पहले अगर किसी का हाथ आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो वो आपके पिता का। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं सच कह रहा हूं, वो आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। यीशु का सबसे चहेता चेला कौन था? पतरस। हालेलुया। आज मैं पतरस और यीशु के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। यीशु एक पिता के रूप में और पतरस एक पुत्र के रूप में। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, एक पिता अपने पुत्र को कैसे ठीक करता है, कैसे यीशु ने पतरस को ठीक किया। है तो पुत्र और चुना हुआ है, उसके द्वारा यीशु मसीह अपने राज्य को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन वो पुत्र जो है ना, वो थोड़ा डगमगा रहा है। उसके अंदर घमंड आ गया है, उसके अंदर मैं आ गया है। अब यीशु उसे सुधारना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु उससे कहता है, लुका 22 31 32 33 34 पढ़िए बेटा, ध्यान से पढ़िए। लूका 22, हाँ जी। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे। हालेलुया, आमीन। अब यीशु उसे बता रहा है, प्रोफेटिक वर्ड्स दे रहा है, उसके लिए भविष्यवाणी कर रहा है कि शैतान ने तुमको मांग लिया है कि तुम्हें गेहूं की तरह पटके। या जो फटके शब्द लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए उसके, पटके, पटकना है। हालेलुया। गेहूं की तरह शैतान जब आपको पटकता है, जब आपको आजमाइश में लाता है ना शैतान, जब आप परमेश्वर से दूर होते हैं तो आपको पटकता है। पटकने का मतलब क्या है कि आपके जीवन में परीक्षाएं, दुविधाएं, सताव, बीमारियां एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपके आती रहती हैं। यह होता है गेहूं की तरह पटकना। यहां पर चेतावनी दे रहा है यीशु मसीह कि शमौन, शमौन, दो बार उसने शमौन का नाम लिया। शमौन कहीं दूर था वो? शमौन कहीं दूर था? नजदीक था। लेकिन कई बार आप नजदीक होते हुए भी कोसों दूर होते हैं। नजदीक बैठे होते हैं लेकिन फिर भी कोसों दूर होते हैं। जैसे आज यहां भाई बहन कई बैठे हुए हैं यहां पर, लेकिन कई बहनें, कई भाई अपने घर में हैं, कई बहनें, कई भाई अपने घर में, अपने बिजनेस में हैं। अब यहां से जाके धंधा चलाना है, कैसे चलाएंगे यार? कल क्या हुआ था? कल किससे पैसा लिया था? कल किससे उधार लिया था? कल किसको देना है? अच्छा ये, अच्छा ये पास्टर कब बंद करेंगे? 12:15 हो गए, पास्टर बोलता ही जा रहा है यार, कब बंद करेगा? तो अपने घर जाएं। आप पास हैं लेकिन दूर हैं। हेलो। इसलिए उसने दो बार कहा, शमौन, शमौन। यस लॉर्ड, क्या कहा? पढ़िए बेटा। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। आमीन, हालेलुया, हां जी। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। अब यहां पर उसे बता रहा है यीशु मसीह, एक चेतावनी दे रहा है कि भाई शैतान ऐसा करने वाला है तेरे साथ कि तुम्हें पटकने वाला है, और मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास चला ना जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर किस विश्वास की बात हो रही है? किस विश्वास? हम कौन सा विश्वास करते हैं? आपका विश्वास क्या है? आपका यीशु मसीह पर विश्वास क्या है?
आज मैं आपको विश्वास के बारे में बताऊंगा, और अगर आज आपने मेरे बताए हुए विश्वास को समझ लिया, आपका जीवन बदल जाएगा। यस, इसलिए प्लीज आप कहीं भी हो, अपने घर में हो, बिजनेस में, आ जाइए, आ जाइए, आओ आओ, इधर आ जाओ, कलीसिया में रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो विश्वास क्या है आपके लिए? आपके लिए विश्वास क्या है? आज के मसीह के लिए, लोगों के लिए विश्वास क्या है? कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया। यीशु मसीह ने मेरे पापों से, श्रापों से मुझे शुद्ध कर दिया। यही विश्वास करते हैं ना आप? हेलो, क्या विश्वास है आपका? कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया। यीशु मसीह ने मेरे पापों और श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया और उसने बलिदान किया, अपना लहू बहाया। यही विश्वास करते हैं? हाँ के ना? हालेलुया। ये विश्वास वो है कि जो आपके जीवन में हो चुका है। इस विश्वास से कोई फायदा नहीं है। वो यहां किस विश्वास की बात कर रहा है? कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, तेरा विश्वास ना चला जाए। हालेलुया। जिस जो आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मर के जिंदा हो गया, आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने कोड़े खाए और मेरे पापों से और शापों से मुझे शुद्ध किया, आप ये विश्वास करते हैं। हालेलुया। ये विश्वास आपका जैसे परीक्षा आती है कम हो जाता है। ये विश्वास आप भूल जाते हैं और परीक्षाओं में लग जाते हैं। अरे परीक्षा आ गई, शताब आ गया, ये आदमी मेरे विरुद्ध हो गया, ये आदमी मेरे विरुद्ध हो गया, ये आदमी मेरे विरुद्ध हो गया, ये सिचुएशन, ये परिस्थिति मेरे विरुद्ध हो गई, अरे नौकरी चली गई, यार क्या होगा, खत्म। क्योंकि वो जो विश्वास किया था ना आपने, एक घटना थी कि यीशु मसीह ने ऐसा ऐसा किया है। प्रेज द लॉर्ड। यहां जो यीशु विश्वास की बात कर रहा है कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास ना चला जाए। किस विश्वास की बात कर रहा है यहां पर? वो यहां बता रहा है कि जब तू संकट में है, या गिरा हुआ है, या गड्ढे में है, या दलदल में है, या दुनिया ने तुझे छोड़ दिया है, तेरी मां ने छोड़ दिया है, वो कह रहा है मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरा विश्वास ना चला जाए। कौन सा विश्वास? कि जब सब ने छोड़ दिया है लेकिन यीशु तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ये विश्वास हमारा, ये विश्वास नहीं है चाहे दुनिया हमें छोड़ दे, चाहे मां हमें छोड़ दे, चाहे कोई भी छोड़ दे, लेकिन यीशु हमको नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर इस विश्वास के बारे में बात कर रहा है यीशु। उसने हमारे लिए कुर्बानी दी, उसने बलिदान किया, हमारे पापों शापों से हमें मुक्त किया। ये बात सही है, ये सच है, हमें इस पर विश्वास करना है। लेकिन यह विश्वास कि यीशु मसीह हमारे लिए सर्वदा मौजूद है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं त्यागेगा, यह विश्वास हमारे लिए हमेशा हमारे साथ होना चाहिए। हर सिचुएशन में यह विश्वास होना चाहिए। आप फेल हो रहे हैं, कोई बात नहीं, फेल होना कोई गुनाह नहीं है, फेल होना कोई गुनाह नहीं है। ठोकर खा के गिर रहे हैं आप, कोई गुनाह नहीं है। मार्क्स आपके कम आए, कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। मांगिए उससे बुद्धि। आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बुद्धि मांगिए, जो आपके साथ है वो आपको देगा। आपको धंधा चलाने में बुद्धि नहीं है, मांगिए बुद्धि। आप जहां काम कर रहे हैं वहां पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं कि सामने टीएल क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, मांगिए बुद्धि, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, क्योंकि वो आपके लिए है। आप कभी भी गिरेंगे, आप कभी भी अटकेंगे, वो आपको निकालने के लिए है। यही तो विश्वास है, यही तो पिता का प्रेम है। आज फादर्स डे है, कोई भी पिता क्या अपने बच्चे को छोड़ सकता है? उस बच्चे का क्या सबसे बड़ा विश्वास है? एक बताइए, एक पुत्र का अपने पिता पर क्या विश्वास है? कि मेरे पापा ने मुझको जन्म दिया, ये विश्वास है? मेरे पापा ने मुझे नाम दिया, मेरा नाम अमितेश है, मेरे पापा ने दिया, ये विश्वास है? उस बेटे का विश्वास क्या है? कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा बाप मुझे नहीं छोड़ेगा,
चाहे मैं कुछ भी करूं, चाहे मैं कैसे भी गिरूं, मेरा दोस्त छोड़ देगा, बीवी छोड़ देगी, कुछ भी छोड़ देगा, मेरा बाप नहीं छोड़ेगा मुझे। हालेलुया। और यही विश्वास हमें शक्ति देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि तेरा विश्वास ना चला जाए। हालेलुया। लेकिन पतरस का घमंड नहीं जा रहा है, वो समझ नहीं रहा है कि यीशु क्या कहना चाह रहा है, वो समझ नहीं रहा है। अब यहां पर यीशु मसीह उसे समझाता है, पढ़िए आगे बेटे 33-34। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। मैन, वो कह रहा है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तेरा विश्वास ना चला जाए, और ये घमंड कर रहा है कि अरे ये छोड़ देंगे, ये सब कुछ जो यूहन्ना याकूब है ना, ये यहूदा, ये छोड़ देंगे तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा। उसका मैं नहीं जा रहा है। यीशु बता रहा है कि तुझे शैतान ने मांग लिया है, शैतान तेरे जीवन में काम कर रहा है, तेरे अंदर अंधकार आ गया है, तेरे अंदर घमंड है, लेकिन बच्चा समझ ही नहीं रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो जेल जाऊंगा, ये जाऊंगा, वो जाऊंगा। हालेलुया। अच्छा चल ठीक है, आज रात जब तक तू 3 बार मेरा इनकार नहीं करेगा, मुर्गा बांग नहीं देगा। हालेलुया। यीशु का इनकार करना एक मसीह के लिए पता क्या है, एक मसीह, एक सच्चा विश्वासी अगर जमाने के सामने, संसार के सामने यीशु का इनकार करता है तो यह बहुत बड़ा पाप है। यह पाप व्यभिचार से भी ज्यादा है। हेलो, सुन रहे हैं सर? धन्यवाद। हालेलुया। ये पाप व्यभिचार से भी ज्यादा है। आप अगर व्यभिचार कर रहे हैं तो आप पापी हैं, हाँ के ना? व्यभिचार अगर आप कर रहे हैं, वो वैश्या ने व्यभिचार किया था, पापी थी। अगर आप व्यभिचार कर रहे हैं तो पाप है। यानी कि 3 बार यीशु का इनकार करना उतना ही बड़ा पाप है अगर आपने व्यभिचार किया है। लेकिन यीशु मसीह उसे रोक नहीं रहा है। ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करिए, पिता का प्रेम देखिए। इस समय यीशु पिता है और पतरस पुत्र है। हालेलुया। यीशु का प्रेम देखिए। यीशु कह रहा है कि आज रात तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। उसे रोक नहीं रहा है कि इनकार मत कर, यानी कि पाप करने से रोक नहीं रहा है यीशु, पाप करने दे रहा है। यीशु का इनकार करना एक पाप है, ध्यान दीजिए। हेलो मैन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु उसे पाप करने से रोक नहीं रहा है क्योंकि यीशु उसे तोड़ना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में कब काम करता है, कब काम कर सकता है? जब आप टूट जाएं, जब आप उस स्थिति में आए कि नहीं, मुझे तेरी जरूरत है। यस यस, जब आपको महसूस हो कि मैं गलत हूं। वो महसूस कराना चाहता है पतरस को कि तू गलत है, तू मान कि तू गलत है, तू मान कि तू घमंडी है। जब तक हम खुद नहीं मानेंगे कि हम गलत हैं, आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे अपने ऊपर, क्योंकि आप मान ही नहीं रहे ना कि मैं घमंडी। यहूदा मान ही नहीं रहा था। यीशु मसीह बोल रहा था, एक है जिसका हाथ मेरे प्याले के अंदर है, वही है जो मुझे पकड़वाएगा, बोल रहा था यीशु मसीह। लेकिन यहूदा समझ ही नहीं रहा है, वो मान ही नहीं रहा कि हाँ सर, अरे तू भविष्यवक्ता, तू जो ये जान रहा है कि मैं ही हूं और मेरा हाथ तेरे प्याले के अंदर है, फिर भी वो कठोरता के अनुसार वो नहीं मान रहा है। तो कई होते हैं जो मानते नहीं कि उनकी गलती हुई है, और परमेश्वर चाहता है कि ये माने। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि आज रात तो मेरा 3 बार इनकार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और आप सब जानते हैं कि पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया, अन्य जातियों के सामने,
अन्य जातियों के सामने उसने तीन बार इनकार किया कि यीशु को मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं। प्रेज़ हालेलुया। और उसके बाद आपने सबने देखा कि जैसे ही तीसरी बार उसने कहा और मुर्गे ने बांग दी, उसको याद आया और वह फूट फूट कर रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। हालेलुया, यस तू सही था, मैं गलत हूं। फूट फूट कर रोने लगा कि प्रभु मुझे माफ कर दे। वो पश्चाताप के आंसू थे। हालेलुया, वो फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन फूट फूट कर रोने के बाद उसने महसूस किया कि नहीं, मैंने तीन बार इनकार किया, मैं पाप कर चुका हूं, अब मैं प्रेरित नहीं हूं, अब मैं प्रभु का दास नहीं रहा, अब मैं प्रभु का दास नहीं था। देखिए पिता कैसे काम करता है। हालेलुया, पिता अपने बच्चों को कैसे उठाता है। हालेलुया, हम यूहन्ना 21 पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि उसने अपने दोस्तों के सामने ये निर्णय लिया कि हम जाएंगे, हम तिबरियस झील में, तिबरियस झील में हम जाएंगे और मछलियां पकड़ेंगे। हालेलुया, यूहन्ना याकूब के साथ, अनिद्रयास के साथ वो मछली पकड़ने के लिए गया। उसने छोड़ दिया कि नहीं, अब मैं प्रेरित नहीं हूँ क्योंकि मैंने तीन बार इनकार किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वहीं पर हम देखते हैं कि पिता यीशु पिता के रूप में उस तिबरियास झील के किनारे पर बैठा हुआ है और अपने पुत्र को, जो पुत्र ये समझ रहा है कि मुझे पिता ने छोड़ दिया, जो पुत्र ये समझ रहा है कि अब मैं प्रेरित होने के योग्य नहीं हूँ, जो पुत्र ये समझ रहा है कि अब मेरा संबंध प्रभु से, अब तो मैं पापी हूं, उस पुत्र के लिए यीशु तिबरियास झील के किनारे में बैठकर मछली और रोटी बना रहा था। आमीन, हालेलुया। वहां पर यीशु नहीं था, वहां एक पिता था। प्रेज़ द लॉर्ड, एक पिता था जो बैठा हुआ था अपने पुत्र के लिए, उसको बताने के लिए कि मैंने तुझे छोड़ा नहीं है, तू मेरा चुना हुआ दास है, तू ही है जो आगे जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुझे मैंने पुत्र के रूप में पाया तो सही, लेकिन जब तू घमंडी हो गया, तेरा घमंड उतारना जरूरी था मेरे भाई, मेरे बच्चे। तुझे मैंने छोड़ा नहीं है। इसलिए 21 का 15 में जब वो आता और कहता है, हे यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? आमीन, हेलो, हालेलुया। आज पिता अपने पुत्र की गवाही सुनना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज पिता यह जानना चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता। आज फादर्स डे है, हेलो, फादर्स डे है। फादर्स डे आप कब मनाते हैं? फादर्स डे फादर कब खुश होता है? फादर्स डे में फादर्स डे को खुश होना चाहिए, फादर्स डे में फादर को खुश होना चाहिए कि नहीं खुश होना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फादर कब खुश होगा? जब अपने पिता, जब अपने पुत्र के अंदर अपने लिए प्रेम देखेगा। हालेलुया, जब अपने पुत्र के अंदर अपने लिए निस्वार्थ सच्चा प्रेम देखेगा, देन वो कहेगा कि यस यस, तब उसे अच्छा लगेगा। यस, जब कोई कहेगा हैप्पी फादर्स डे, यस, तब वो मीन करेगा कि यस मैं पिता हूं, और एक ऐसे पुत्र का पिता हूं जो ईमानदार है, जो सच्चा है, जो मुझसे प्यार करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा लगा आपको? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां पर वो क्या कहता है, 15वां वचन। भोजन करने के बाद यीशु ने सिमोन पत्रस से कहा, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। आमीन। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। मेरी मेमनों को चरा। हालेलुया, हालेलुया। पिता अपने पुत्र के अंदर प्रेम देखता है और पुत्र कहता है कि यस मैं आपसे प्रेम करता हूं। कैसा प्रेम?
क्या जो पिता चाहता है आप करते हैं, तब तो आप उसके पुत्र हुए। अगर आप अपनी इच्छा पर चलते हैं तो आप पिता की इज्जत नहीं करते, पिता का मान नहीं करते। हालेलुया, प्रेम लॉर्ड। पिता का प्रेम कब है? जब पुत्र पिता के स्वरूप में चले। प्रेज द लॉर्ड। जब पुत्र पिता को समझे, पिता को जाने, तभी तो वो सच्चा पिता है, तभी तो सच्चा पुत्र है वो। अगर वो अपने पिता को समझ नहीं रहा, अपने कर्तव्य को समझ नहीं रहा, यहां पर क्या बता रहा यीशु मसीह? हे योना के पुत्र, क्या तू इन सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? वो कहता है हाँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मेरी सेवा कर और चार मछलियां अच्छी सी मेरे लिए लेकर आ, मैं भी खाना चाहता हूं। उसने क्या कहा? मेरी भेड़ों को चरा। सच्चा पुत्र वही है जो चाहता है एक होना। प्रेज द लॉर्ड। पिता अगर आपको पुत्र मानता है, उसका मकसद क्या है? कि आप एक हो जाएं, पिता और पुत्र एक हो जाएं। हालेलुया। बाइबल में पिता का मतलब क्या है? एक होना, पिता और पुत्र का एक होना, यह है सच्चा प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर तीन बार वो बोलता है, तीन बार वो बोलता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मुझसे प्रेम करता है, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। वचन आप पढ़िएगा, हालेलुया, 15 से 17 और 19 के बीच में है ये वचन, पढ़िएगा जब तीन बार। और बार बाद में पतरस कहता, तू तो जानता है प्रभु कि मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। पिता का मकसद क्या था? वो पतरस जो निराश हो गया था, वो पतरस जो डूब गया था, वो पतरस जो कहता था मेरे लिए कोई भी भविष्य नहीं है, वो पतरस जो जिसने सोच लिया था कि अब मेरा कोई नहीं है, उस पतरस को यीशु मसीह ने उठाया और कहा कि मैं तेरा पिता हूं। हालेलुया। आज पिता आपसे क्या कहता है? आप कहीं भी खो जाएं, आप कहीं भी रह जाएं, आप किसी परीक्षा में हो, आप किसी सताव में हो, वो कहता है तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। मत डर, मत डर कि तू मुझे छोड़ देगा, कि किसी ने आप कोई हमको छोड़ देगा। मत डर कि मेरे अपने मुझे छोड़ देंगे। मत डर कि मेरा नुकसान हो गया, मेरा क्या होगा, मैं तेरे साथ हूं। यही विश्वास यीशु मसीह उसको देना चाहता था, यही विश्वास। और इसी विश्वास के लिए यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था कि कहीं तेरा विश्वास ना चला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास। पिता क्या चाहता है? अपने पुत्र के साथ एक होना। हालेलुया। यूहन्ना 15 का 7। पिता क्या चाहता है? अपने पुत्र के साथ एक होना। और जब आप एक हो जाएंगे पिता के साथ, देखिए वचन क्या कहता है, यूहन्ना 15 का 7। यदि तुम मुझसे बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो, प्रेज द लॉर्ड, और मेरे वचन तुम में, प्रेज द लॉर्ड, ध्यान दीजिए, यदि तुम मुझ में बने रहो। पिता क्या चाहता है? हम दोनों एक हो जाए। आप पिता में एक होना चाहते हैं? हालेलुया। एक होना पिता चाहता है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे, तो तुम जो चाहो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आमीन। यह उसका वादा है और यही आपका विश्वास करना है। अगर आप पिता में और उसके वचनों में एक बने रहेंगे, किसी को भी अपने अंदर आने की आप इजाजत नहीं देंगे। अपने किसी संबंध को, अपने धंधे को, संसार को, पैसे को, अपनी कला को, अपनी खूबसूरती को, अपनी इच्छाओं को, किसी को भी अगर आप अंदर आने की इजाजत नहीं देंगे, पिता और पुत्र आप एक रहेंगे उसमें, उसके वचन के द्वारा बने रहेंगे। वचन कहता है तुम जो चाहो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। यह है पिता का प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यह है पिता का प्रेम। आपको एक बनना है मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। मत्ती 15:32-35 के बीच में
यदि हम एक बने रहेंगे, हमारे बीच में कौन आ जाता है? संसार, हमारा घमंड, हमारा स्वार्थ, व्यभिचार, लालच, आलस। पिता और पुत्र के बीच में कौन आता है? हम खुद आते हैं। पिता चाहता है आपके जीवन में काम करना, लेकिन आपका अहम नहीं चाहता, आपका घमंड नहीं चाहता है, आपका व्यभिचार नहीं चाहता है, आपकी इच्छाएं नहीं चाहती हैं, और वो चीजें वो आपके बीच में आ जाती हैं, आपकी जो एकता है उसको भंग कर देती है, आपकी एकता को भंग कर देती हैं। हालेलुया, पढ़िए 15:32-35 में, यहां पर तकरीबन 4,000 लोगों को यीशु मसीह रोटी खिला रहा है। 4,000 लोग, देखिए एक पिता के रूप में यीशु कैसे काम करता है। हालेलुया, योहन्ना 15:7 का वचन यहां पर मैं आपको बताऊंगा। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया, हाँ, और कहा, एक मिनट, 4,000 लोगों को वो 3 दिन से वचन बांट रहा है। हेलो, 4,000 लोगों को 3 दिन से वचन बांट रहा है यीशु। 3 दिन से वो लोग वचन सुन रहे हैं और सुन रहे हैं और सुन रहे हैं, रात दिन 3 दिन बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ नहीं मांगा यीशु से। हालेलुया, यानी कि वो यीशु में एक हो गए। क्या हो गए? वो एक हो गए। इस उदाहरण को समझने की कोशिश करिए आप, वो यीशु में एक हो गए, कुछ नहीं मांग रहे हैं। यीशु के और उनके बीच में संसार नहीं आया, भूख नहीं आई, नींद नहीं आई, स्वार्थ नहीं आया, कुछ नहीं आया। कुछ आया? नहीं आया। भूख नहीं आई, आलस नहीं आया, संसार नहीं आया। संसार को याद नहीं किया उन्होंने कि मेरा भाई 3 दिन से बैठा हूं, मेरा धंधा क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, कुछ नहीं आया। वो 3 दिन से यीशु मसीह के साथ बैठे हुए, वो यीशु मसीह में एक हो गए। आमीन। आगे बढ़िए बेटा। मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। हाँ, दोबारा पढ़िए 32 से। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, हाँ, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, हाँ, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ है, हाँ, और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। आमीन, आमीन। जब आप एक हो जाएंगे ना, हेलो, ध्यान दीजिए, जब आप यीशु में एक हो जाएंगे, वो जानता कि आपके पास क्या नहीं है, वो जानता कि आपके पास क्या कमी है। He knows कि आपको क्या चाहिए, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, वो खुद जानता है आपको क्या चाहिए। हालेलुया, यही तो है पिता का प्रेम, यही तो है परमेश्वर, यही तो है पिता का हृदय। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़िए बेटा। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता। हाँ, मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, भूखा जाने नहीं देता हूं। हालेलुया, परमेश्वर आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहता है। अगर आप उसके संग बने रहेंगे, मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप उसमें एक हो जाएंगे, वो आपको यूं ही जाने नहीं देगा, वो आपको यूं ही जाने नहीं देगा, वो आपको खाली हाथ जाने नहीं देगा, वो आपको भूखा जाने नहीं देगा, वो आपको निराश जाने नहीं देगा, वो आपको भर के भेजेगा। मैं, आप यीशु में एक हो गए, परमेश्वर में एक हो जाइए, उसको आपकी चिंता है, आपको बस एक होना है, आपको यह देखना है कि मैं एक कैसे रहूं। आपके दरवाजे पर अगर कोई गलत चीज आ रही हो, आपको रोकना है। हालेलुया, आपके दिमाग में कोई कचरा आ रहा है, उसको आपको निकालना है। आपका बहुत गहरा ही दोस्ती आपको बुला रहा है, आपको उसे मना करना है, तभी आप एक होंगे। मैं एक हो जाऊं, प्रभु में एक होना है मुझे, प्रभु में एक बन के चलना है। इट्स नॉट ए जोक। उसके बाद आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। वट एवर यू वॉन्ट यू विल गेट इट। पढ़िए बेटा। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, हाँ जी, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। चेलों ने उनसे कहा,
हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। हाँ जी। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने को आज्ञा दी और उन 7 रोटियों को मछलियों को लिया और धन्यवाद करने तो 35 आपने पढ़ी है। तब उसने जन समूह को भूमि पर बैठने का आज्ञा दी। हालेलुया। अब ध्यान से इस वचन को देखिए, मेरी तरफ देखिए। उसको पता है रोटी नहीं है, चेलों को पता है रोटी नहीं है, जो 4,000 लोग बैठे हैं उनको पता है रोटी नहीं है। हेलो, उनको पता रोटी नहीं है। कहां बैठे हैं वो? जंगल में। वो ऐसे स्थान में बैठे हुए हैं जहां पर कुछ नहीं है, बाजार नहीं है, कुछ नहीं है, एक नीरस, एक अकेला जनसमूह कहीं पर बैठे हुए हैं। वो वहां पर रोटी नहीं है, और ये जानते हुए कि वहां पर रोटी नहीं है, यीशु मसीह ने उन चेलों को कहा, उन लोगों को बोला जो 4,000 लोग थे कि खाने के लिए बैठ जाओ, और वो बैठ गए। हेलो, आमीन। 50-50 के झुंड में बैठ जाओ खाने के लिए, और वो बैठ गए। क्यों बैठ गए? क्योंकि वो एक बन चुके थे, वो यीशु में एक हो गए थे। किसी ने पूछा नहीं कि सर खाना तो है नहीं, कहां बैठे हम खाने के लिए? या जंगल में खाना कहां से आएगा? कौन देगा खाना? खाना तो है नहीं, कोई बर्तन नहीं है, रोटी नहीं है, कुछ नहीं है। हालेलुया। जब यीशु में हम एक हो जाते हैं तो हमारे अंदर संदेह नहीं आता है, हमारे अंदर सवाल नहीं आता है। जो यीशु कहता है वो हम रिसीव करते हैं। हमें रिसीव करना है। उसने कहा है बैठ जाओ, बैठ गए। आमीन। यीशु ने कहा है कि अनंत काल का जीवन तेरा है। यस, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा अनाथ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यस, मेरे यीशु ने कहा है, मेरे पिता ने कहा है। हालेलुया। अगर आप अपने पिता से प्यार करते हैं तो आपको अपने पिता की हर बात पर विश्वास करना है। यीशु मसीह अपने पिता पर बात करते थे, यूहन्ना 12:49 पढ़िए। यीशु मसीह अपने पिता पर बात करते थे, पिता से विश्वास करते थे, पिता से प्यार करते थे। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 12:49 मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। आगे, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। आमीन। जो जो पिता कहता था यीशु वही करता था, और यही बताता है पिता पुत्र का एक होना। एक होने का मतलब क्या है? जो वो कहता है मैं वो करता हूं। यूहन्ना 15:7 क्या कहता है? यदि मेरे वचन तुम में और तुम मुझ में बने रहोगे तो जो चाहो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। और यहां पर 12:49 बताता है कि जो वो कहता है मैं वो ही करता हूं। यही तो वचन में, यही तो एक बने रहना है, यही है पिता में एक होना, एक बने रहना। जो वो कहता है मैं करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह को स्वर्ग का अधिकार मिल गया था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था यीशु। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो कहता है जो मेरा पापा कहता है मैं वही करता हूं। हालेलुया। यही है पिता के संग एक होना, यही है पिता के संग एकता के साथ चलना। प्रेज द लॉर्ड। और यही है फादर्स डे का मूल उद्देश्य। ऐसे ही अपने पापा को फादर्स डे बोलने से कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है। अपने फादर्स को फादर्स डे बोलना, हैप्पी फादर्स डे। अगर आप उसके अनुसार नहीं चल सकते तो हैप्पी फादर्स डे बोलने का मतलब ही नहीं है। फादर्स डे का मतलब हैप्पी फादर्स डे। इट मीन्स अगर आप पिता को
महत्व देते हैं तो आप महत्व दीजिए उसकी बातों पर। अगर मैं यीशु से प्यार करता हूं तो मुझे यीशु की आज्ञाओं को महत्व देना है, मुझे यीशु के अनुसार चलना है। मैं यीशु के अनुसार ना चलूं और मैं ये कहूं कि मैं यीशु से प्यार करता हूं तो मैं बेवकूफ, मैं गलत हूं, मैं झूठा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज आपने जाना पिता का प्यार क्या है, आपने जाना विश्वास क्या है। आमेन। विश्वास यीशु को जानना नहीं है, विश्वास यह है कि हम किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, यीशु हमको नहीं छोड़ेगा, यीशु हमें गड्ढे में से निकाल के लेकर जाएगा। हालेलुया, क्योंकि यीशु हमसे प्यार करता है। आज का विषय आपका अच्छा लगा? हालेलुया, हालेलुया। यूट्यूब में जो देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो दूसरों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि परमेश्वर का आशीष आपको मिले। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया।